25 क्वेश्चंस होंगे, खुद को इवैल्यूएट करिएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस इसमें सही किए। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, बस ये है कि बहुत ही क्विकली आपको इसको। मंदिरा संजना एंड उर्वशी, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन कल का ही है, फिलहाल यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप देख लीजिएगा, आज भी 25 ही क्वेश्चंस होंगे। अपने आप को इवैल्यूएट करिए कि आपने कहाँ पर कितना सही किया है। बहुत सिंपल से लगेंगे, लेकिन जिन्होंने जिनकी पकड़ अगर टीचिंग एप्टीट्यूड पर नहीं है तो डेफिनेटली उनके लिए थोड़ा सा ये टिपिकल हो सकता है। वैसे बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 1, कि द टीचर शुड आइडेंटिफाई एंड टीच अकॉर्डिंगली। मतलब टीचर को क्या आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। ये कल का ही क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, इसको समझ लीजिए। क्या है कि द टीचर शुड आइडेंटिफाई एंड टीच अकॉर्डिंगली। आज के भी क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के बेसिकली जो पहला सेगमेंट है टीचिंग का, उससे रिलेटेड है, जिसमें कि टीचिंग का कॉन्सेप्ट हो गया, कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, लेवल ऑफ टीचिंग हो गया, टीचिंग एड हो गया, टीचिंग मैक्सिम्स हो गया, ठीक है, और आपके फेजेस ऑफ टीचिंग हो गया। तो इन सारे एरिया से क्वेश्चंस बनते हैं और क्वेश्चंस आते भी जरूर हैं। तो आपको उनमें से, उन सारे जितने टॉपिक मैंने बोले, इन सभी से एक एक दो दो क्वेश्चंस आज के आपके सेशन में आपको देखने को मिलेंगे। तो फिर उसको बड़े ध्यान से देखिएगा। चलिए, वेरी नाइस। मंदिरा 25 का बी आपने बताया, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस ही है, ये कल का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चंस को आप देखते रहिएगा कितने आपने करेक्ट किए हैं। तो व्यक्तिक विभिन्नता जो है वो जाननी जरूरी है किसी भी टीचर के लिए, तभी वो सही माना जाता है। जब व्यक्तिक विभिन्नता के बारे में, या हर बच्चे की में क्या बेटर है और क्या उसकी वीकनेसेस हैं, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, इसको अगर टीचर अपने लेवल से जानने की कोशिश करता है, उसकी साइकोलॉजी को, तो डेफिनेटली वो अपने शिक्षण को बेहतर बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि चिंताशील शिक्षण की विशेषता क्या है, या व्हाट इज द हॉलमार्क ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग। ठीक है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है ये, जैसे कि कल बात हो रही थी लेवल्स ऑफ टीचिंग की। तो लेवल ऑफ टीचिंग आपके क्या क्या हो गए, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग हो गया, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग हो गया, और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग हो गया। अगर यहाँ पर हम बात करें कि शिक्षण की विशेषता या हॉलमार्क ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, तो क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन हमारे पास है। पहला है क्लियर ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट। दूसरा है पर्सनलाइज्ड हो गया, इंटरैक्टिव एंड हाई लेवल ऑफ कॉग्निटिव इंटरचेंज। सिस्टमैटिक है, प्लान्ड है, क्विक क्वेश्चंस आंसर सेशन हो गया, लॉजिकल है, कोहेरेंट एंड एग्जांपल बेस्ड प्रेजेंटेशंस हो गया। तो क्या इसके अंतर्गत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 में हमें ये बताना है कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग की विशेषता यूं कह सकते हैं कि क्या है। आंसर क्या है 26 का, ए और बी। ठीक है, तो सही आंसर यहां पर हो जाएगा 26 का ए। ठीक, देखते हैं, 26 का ए है, एक बार इसे क्रॉस चेक भी कर ले। क्लियर है, ऑर्गेनाइज्ड है, एंड वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट हो गया। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग की, या रिफ्लेक्टिव टीचिंग की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है स्तर बहुत हाई हो जाता है, हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है ये। तो डेफिनेटली यहाँ पर सोचना, विचारना, समझना, मतलब यहाँ पर कंप्लीट कह सकते हैं, बच्चे को चीजों चीजें समझ में आ जाती हैं, एनालाइज करना हो जाता है, किस तरीके से वो चीजों को एनालाइज करेगा, समझेगा, तर्क वितर्क करेगा। तो सही आंसर आपका 26 का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 27 है, एन ओपन क्लासरूम एनवायरमेंट मेड बाय शेयरिंग एंड केयरिंग बाय टीचर्स एंड योर स्टूडेंट इन देयर इंटरचेंज विल बी मोस्ट हेल्पफुल फॉर विच लेवल ऑफ टीचिंग। मतलब यहाँ पर यह है कि शिक्षकों और छात्रों की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, कि शिक्षकों और छात्रों द्वारा अपने आदान प्रदान में साझा करने और देखभाल करने वाला एक खुला कक्षा वातावरण किस स्तर के शिक्षण के लिए सबसे अधिक सहायक होगा। मतलब यही कि अगर एक ओपन एनवायरमेंट हम कह सकते हैं, या वो माहौल दिया गया है जहां पर बच्चा और टीचर आपस में बातों को साझा कर सके, इंटरैक्ट कर सके, तो हम कौन सा लेवल ऑफ टीचिंग, या कौन सा लेवल हमें देखने को मिलता है यहाँ पर टीचिंग का, ये पूछा जा रहा है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है, या ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल है। क्वेश्चन नंबर 27 है, अगर हमें एक मुक्त वातावरण मिलता है, ओपन एनवायरनमेंट मिलता है, क्लासरूम एनवायरनमेंट मिलता है, जहां पर टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक दूसरे से वार्ता कर सकते हैं, तो फिर कौन सा आंसर सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस। उर्वशी शर्मा, वेरी गुड इवनिंग। 27 का सी, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। 27 का बी, सभी लोग आंसर करें जो भी जुड़े हुए हैं।
ठीक है। 27 का सही आंसर होगा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। क्यों रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग होगा? क्योंकि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है। विचारों का आदान प्रदान तब हो पाता है जब हमारे दिमाग में, मतलब बच्चे के दिमाग में विचार होते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक को समझने के लिए। उसके पास एक एबिलिटी डेवलप हो जाती है कि किस तरीके से वो चीज़ों को समझे या जाने, या उसका मेंटल लेवल इतना हाई हो चुका होता है कि तर्कपूर्ण या लॉजिकली वो किसी चीज़ को समझने की कोशिश करता है। तो अगर एक पूरा प्रॉपर खुला एनवायरनमेंट या ओपन एन ओपन क्लासरूम एनवायरनमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, वहां पर रिफ्लेक्टिव लेवल जो है वो हमें देखने को मिलेगा, जहां पर हम विचारों को या थॉट्स को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग एडॉप्टेड बाय एनिमल्स। ठीक है, कौन सा लेवल जो है वो हमें यहाँ पर जानवरों में देखने को मिलता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग एडॉप्टेड बाय एनिमल। एनिमल के द्वारा कौन सा, जैसे हम किसी भी उसको सिखा रहे हैं, मान लीजिए जानवर को, पेट एनिमल है, उसको हम सिखा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो फिर वो कौन सा, जो ये कहा जा रहा है ना टाइप ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, तो किसको वो एडॉप्ट कर पाता है, ये बताने की बात कही जा रही है। तो क्या हो जाएगा, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग और इंट्रोस्पेक्टिव आत्मविश्लेषी। आंसर करिए क्वेश्चन का। क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग एडॉप्टेड बाय एनिमल। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। 28 का डी बताया है उर्वशी शर्मा। और लोग भी फटाफट आंसर करिए। तो देखिए, किसी भी जानवर को या किसी भी पेट एनिमल को जब भी कुछ सिखाए जाने की बात कही जाती है या ऐसा हो रहा होता है, तो वो बेसिकली किस पर आधारित है, निम्नलिखित जो लेवल लिखे हुए हैं। ठीक है, देखिए क्या क्या वो अप्लाई करता है। चलिए, कोई डी बता रहा है, कोई बी बता रहा है, सही आंसर वैसे होगा आपका मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम किसी पेट एनिमल को, या हम एक पेट डॉग की बात करते हैं, आपने मान लीजिए उसको कुछ शेकहैंड करना सिखाया, तो आप क्या करोगे, एक बार उसको बताओगे, ट्रीट दोगे, फिर उसको क्या करोगे, फिर उसने शेकहैंड दिया, फिर आप उसको ट्रीट देते हो उसको मोटिवेट करने के लिए, तो क्या है, उस चीज के साथ उसने एक कोऑर्डिनेशन बिठा लिया या उसकी मेमोरी में ये बात फीड हो गई। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो वो ए ही सही होगा। ठीक है, मेमोरी लेवल, इसलिए ये सही होगा। वो वहां पर ना तो उसका चिंतन वाली कोई बात है, ना तो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, ना ही आत्मविश्लेषण करने वाली बात है जानवरों में, तो केवल वो उसको याद रख पाता है, और याद रखने की भी क्षमता सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज रिफ्लेक्ट, शिक्षक शिक्षण की गुणवत्ता परिलक्षित होती है कब। द क्वालिटी ऑफ टीचिंग रिफ्लेक्ट व्हेन, या कब परिलक्षित होती है किसी भी शिक्षण की गुणवत्ता। ठीक है, क्वालिटी की बात हो रही है। देखिए चार ऑप्शन है, बाय द अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, बाय द पास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, बाय द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय स्टूडेंट, बाय द ड्यूरेशन ऑफ साइलेंस मेंटेन इन द क्लासरूम। ठीक है, वॉइस कम है, अब बताइएगा। राजगुप्ता गुड इवनिंग, चलिए वॉइस को थोड़ा सा बताइएगा मुझे। का सी वॉइस को थोड़ा बताइएगा, क्लियर करिएगा, सही आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज रिफ्लेक्टेड बाय द अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, बाय द पास परसेंटेज, बाय द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द स्टूडेंट। 29 का सी मंदिरा उर्वशी, 29 का ए, 29 का सी संजना, मुनीश मुनीश, अच्छा सी, तो जिसका भी आंसर सी है वो सही होगा। ठीक है, आपने आप देख लीजिएगा। अब क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज रिफ्लेक्टेड, मतलब यही है कि अगर शिक्षण जो है इतना प्रभावकारी है कि बच्चे की लर्निंग हुई है, तो डेफिनेटली उसके दिमाग में पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के या उसके आसपास की चीजों को लेकर के प्रश्न जो है वो उठेंगे ही उठेंगे। अब थोड़ा सा देखें प्लीज, वॉइस सही है या नहीं, मुझे कमेंट करें। ठीक है,
तो क्या है, क्वालिटी ऑफ टीचिंग कब रिफ्लेक्ट होगी? जब बच्चे क्वेश्चन करेंगे रिलेटेड टू टॉपिक, या कुछ प्रश्न उनके दिलो दिमाग में उठेंगे, ठीक है, तब जा करके ऐसा होगा। ठीक, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द टीचिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल? ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में किसकी बात हो रही है? यहाँ पर समझ के स्तर की बात हो रही है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, कंपैरिजन होगा, एब्स्ट्रैक्शन होगा, या एक्सप्लोरेशन होगा? क्या हो जाएगा? रवि कुमार, वेरी गुड इवनिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द टीचिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल? ठीक है, एप्लीकेशन है, कंपैरिजन है, एब्स्ट्रैक्शन है, या एक्सप्लोरेशन है? अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात हो रही है, समझ के स्तर की बात हो रही है। ठीक है, मुनीष गंगवार, 30 का डी। और कोई आंसर कर रहा हो अगर? 30 का बी, 30 का डी, एक्चुअली सही आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, एक्सप्लोरेशन, अन्वेषण करना। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बच्चे का क्या हो जाता है, समझ का स्तर है, बच्चे की समझ इतनी डेवलप हो जाती है कि वो चीजों को लेकर के एक्सप्लोर कर सके, क्योंकि इस लेवल पर टीचर के द्वारा बच्चे को पर्टिकुलर विषय या कंटेंट को लेकर के उससे रिलेटेड जो प्रिंसिपल है, कॉन्सेप्ट है, मीनिंग है, डेफिनेशंस है, इन सभी चीजों को बताया जाता है, क्योंकि बच्चा अब चीजों को समझने में सक्षम हो पाता है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 31 है। इन विच लेवल ऑफ टीचिंग लोअर लेवल लर्निंग आउटकम्स गेट फोकस्ड? ठीक है, किस स्तर के शिक्षण में निचले स्तर के सीखने के परिणाम केंद्रित होते हैं? अब ये हमें पता होना चाहिए कि कौन सा लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पर बतानी है कि क्या है, कि इन विच लेवल ऑफ टीचिंग लोअर लेवल लर्निंग आउटकम्स गेट फोकस्ड? मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल है, और ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल हो गया। क्या हो जाएगा सही आंसर बताइए? लोएस्ट लर्निंग आउटकम्स, सबसे कम लर्निंग हम कह सकते हैं किस स्तर में देखने को मिलती है? तो डेफिनेटली वहीं पर देखने को मिलती है जहां पर बच्चा अपने मस्तिष्क का बहुत ही ना के बराबर यूज कर रहा है, मीनिंग यूज ही नहीं कर रहा है, तो वो लेवल हो जाता है आपका मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग ही है जो कि इससे संबंधित है, या लोअर लर्निंग लेवल लर्निंग जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग भी माना जाता है, माना क्या जाता है ही है। ठीक है, रिफ्लेक्टिव लेवल है आपका हाईएस्ट लेवल हो गया। ठीक है, तो इसलिए जो है ब्लर हो रहा है बेटा, यहाँ से सब कुछ क्लियर है और मेरी मोबाइल की स्क्रीन पे भी क्लियर है। ठीक है, आगे देखिए, 31 हो गया, 32 देखिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज, या शिक्षण का क्या उद्देश्य है? क्रिएट गुड सिटीजन्स, क्रिएट पर्सन्स हु आर यूजफुल फॉर द सोसाइटी, क्रिएट सोशलिस्टिक पर्सन, एंड डी हो गया ऑल ऑफ दी एबव। तो क्या हो जाएगा, शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? पहला हो गया यहाँ पर अच्छे नागरिकों को बनाना, डी ऑप्शन का मतलब मीनिंग पीछे पीछे के क्वेश्चंस में। ये कोई लेवल नहीं है, ठीक है, ये तीन लेवल तो हैं आपके ऊपर, जो तीनों लेवल लिखे हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, लेकिन ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो हम बेसिकली देखेंगे, अगर चार ऑप्शन देंगे तो पहले तो चौथे वाले को बिल्कुल बिना देखे ही हटा दीजिए, क्योंकि ये लेवल होता ही नहीं है, तीनों लेवल है, तो हमको आंसर इन्हीं तीनों लेवल्स में ढूंढना होगा। ठीक, टीचिंग लेवल होते हैं टीचिंग के, तो वो लेवल की अगर बात करें तो वो अगर आपको पता है तो आप समझ पाएंगे कि इन तीनों लेवल्स में से ही हमें इसको देखना था, तो चौथा अपने आप हट जाएगा क्योंकि वो कोई भी लेवल नहीं है टीचिंग का। ठीक है, अब देखिए क्या है, शिक्षण का उद्देश्य की बात हो रही थी, तो कौन सा शिक्षण का उद्देश्य हो जाएगा? शिक्षण का उद्देश्य सभी होंगे, ठीक है, सभी है यहाँ पर, ऑल है,
मतलब क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज टू क्रिएट गुड सिटीजन। शिक्षण का उद्देश्य यही है बेसिकली, किसी भी बच्चे का, किसी का भी, जो कुछ भी, जो कोई भी शिक्षण ले रहा है या पढ़ रहा है, एजुकेशन ले रहा है, तो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करना, तो उसका उसको एक अच्छा नागरिक बनाना, ये भी एक बात हो जाती है। ऐसा नागरिक बनाना जो सोसाइटी को सर्व कर सके, सोसाइटी के लिए यूजफुल हो, सोसाइटी में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सके, क्रिएट सोशलिस्टिक पर्सन, ठीक है, समाजवादी व्यक्ति जो है उसको निर्मित करना। तो ये सारी ही बातें जो है इसके अंतर्गत आ जाएंगी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज अचीव्ड बाय रोट लर्निंग, या ब्लूम्स के वर्गीकरण की बात हो रही है। अब ये पढ़ा है नहीं पढ़ा है, देखिए डेफिनेटली पढ़ा होगा आपने, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की बात हो रही है यहाँ पर, ब्लूम्स के वर्गीकरण की बात हो रही है, ठीक। तो यहाँ पर लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज अचीव्ड बाय रोट लर्निंग, या फिर ब्लूम्स के वर्गीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा स्तर रटकर सीखने से प्राप्त होता है, रटकर सीखने से, ठीक है। स्तरों की बात हो रही है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में, बेसिक टैक्सोनॉमी के अंतर्गत या ब्लूम्स के वर्गीकरण के अंतर्गत बेसिकली शिक्षा के उद्देश्यों को बताया गया है कि शिक्षा के उद्देश्य जो होते हैं या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको किस आधार पर फ्रेम किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर आपको पता है, तो अगर इसमें आंसर, ये जो ऑप्शंस दिए हैं इसमें है, रिमेम्बरिंग हो गया, अप्लाइंग हो गया, एनालाइजिंग हो गया और अंडरस्टैंडिंग हो गया। सही आंसर क्या हो जाएगा? नोट्स बेटा, इसके लिए आपको नोट्स के लिए आपको जाना पड़ेगा ब्रेक प्लस के ऐप पर, ठीक है। और ज्यादा जानकारी रही चाहिए आपको, तो जो आपके स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा उस नंबर पर आप कॉल करके डिटेल जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। ब्लूम्स के वर्गीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा रटकर स्तर रटकर सीखने को प्राप्त है, तो कौन सा हो जाएगा? डेफिनेटली देखने से ही पता लग रहा है, 33 का ए, रिमेम्बरिंग, ठीक है, यह याद रखना। अगर ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की बात करें तो आज के शिक्षण में, या हम लोग जो शिक्षण करते हैं या टीचिंग करते हैं उसमें इन्हीं को प्रयुक्त करते हैं, या इनके द्वारा दिए गए वर्गीकरण को हम लागू करते हैं। इन्होंने शिक्षण के उद्देश्यों को लेकर के बताया है कि जब भी हम शिक्षण के उद्देश्यों को बनाएं या उनको फ्रेम करें, तो उसका कॉग्निटिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन को ध्यान में रख करके हम शिक्षण उद्देश्यों को या टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम करें, ठीक है। तो आज की डेट में हम जो कुछ भी करते हैं बेसिकली इनको, इसके, इनके वर्गीकरण को ध्यान में रख करके उसको फ्रेम कर रहे होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट देखिए, टीचिंग इज अ डैश प्रोसेस, कैसा प्रोसेस है शिक्षण? ट्राईपोलर है, बाईपोलर है, यूनिपोलर है और मल्टीपोलर है। शिक्षण की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, टीचिंग की बात कर रहे हैं हम, तो टीचिंग क्या है? ट्राईपोलर प्रोसेस है, बाईपोलर प्रोसेस है, यूनिपोलर है और मल्टीपोलर है, बताइए, आंसर करिए फटाफट। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, एक ध्रुवीय है या बहुध्रुवीय प्रक्रिया है। मुनीष गंगवार ने ए आंसर किया है, ठीक है। और लोग बताइए, देखिए ट्राईपोलर प्रोसेस सही आंसर, वैसे ट्राईपोलर प्रोसेस ही है, पहला जो ऑप्शन है, बाईपोलर प्रोसेस एंड यूनिपोलर, देखिए इनसे तो मतलब नहीं है, हमारा जो मेन मकसद है वो हो गया आपका दो बातों को लेकर के, ट्राईपोलर एंड बाईपोलर प्रोसेस, ठीक है। ट्राईपोलर प्रोसेस में क्या क्या हो जाता है? आपका टीचर आ जाएगा, स्टूडेंट आ जाएगा, एनवायरनमेंट कह सकते हैं और करिकुलम कह सकते हैं या सोसाइटी कह सकते हैं, ये तीनों ही आ जाएंगे, मतलब ये त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। अगर शिक्षण की बात करें तो कहीं पर मान लीजिए अगर यह ट्राईपोलर नहीं दिया होता तो बाईपोलर सही हो जाता, ठीक है। ट्राईपोलर प्रोसेस है, टीचिंग इज अ ट्राईपोलर प्रोसेस, ये कहा है जॉन डीवी ने, जिसमें कि टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम आ जाएगा। मतलब बाइपोलर प्रोसेस की अगर बात करें तो बाइपोलर में केवल टीचर और स्टूडेंट आ जाते हैं, लेकिन ये किस चीज को लेकर के कम्युनिकेट करेंगे, किस चीज का आदान प्रदान करेंगे, मतलब किस विषय को लेकर के चर्चा करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो वो विषय जो है यहाँ जॉन डीवी ने बताया है वो है आपका करिकुलम या सोसाइटी या हमारे आसपास की सराउंडिंग्स, उसको लेकर के टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक इंटरेक्शन का मोड बन पाता है, ठीक। तो इसलिए ट्राईपोलर प्रोसेस है, कहा है जॉन डीवी ने। टीचर स्टूडेंट बाईपोलर प्रोसेस हो गए, ट्राईपोलर हो गए आपके टीचर स्टूडेंट एंड करिकुलम, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेडिशनल रोल ऑफ अ टीचर, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षक की पारंपरिक भूमिका नहीं है,
पारंपरिक भूमिका नहीं होने की बात हो रही है। पहला है डिस्मेंशन ऑफ नॉलेज, ठीक है, क्रिएशन ऑफ डिजिटल रिसोर्सेज, रिसर्च एंड पब्लिकेशंस एंड पार्टिसिपेटिंग इन एफडीपीज एंड सेमिनार्स। किसकी बात हो रही है? विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेडिशनल रोल ऑफ अ टीचर। ट्रेडिशनल रोल की बात हो रही है, पारंपरिक समय में जो शिक्षक की भूमिका रहा करती थी वो निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। तो अब थोड़ा पुराने समय में चले जाइए और देखिए कि शिक्षक क्या थे, उनके पास क्या था और क्या नहीं था, तो देखेंगे कि कौन सी चीज उनके पास थी या नहीं। अगर हम 35 क्वेश्चंस की क्वेश्चन की बात करते हैं तो सही आंसर है बी, आंसर किया है क्रिएशन ऑफ डिजिटल रिसोर्सेस, तो बी ही सही है, ठीक है, क्रिएशन ऑफ डिजिटल रिसोर्सेस। तो ऐसा कुछ भी पारंपरिक शिक्षण में हमें देखने को नहीं मिलता था, जो ट्रेडिशनली एक टीचिंग का पैटर्न या प्रोसेस चलता चला आ रहा था उसमें हमें ये चीज नहीं देखने को मिलता था, ठीक है। तो इसलिए ये आंसर जो है वो आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इम्पैक्ट टीचिंग। निम्नलिखित में से कौन से फैक्टर शिक्षण को प्रभावित नहीं करते हैं, कारक शिक्षण को प्रभावित नहीं करते हैं। पहला है टीचर्स का ज्ञान या टीचर्स नॉलेज, क्लासरूम एक्टिविटीज दैट इनकरेज लर्निंग, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस। तो शिक्षण में, ठीक है, डज नॉट इम्पैक्ट, शिक्षण में विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इम्पैक्ट टीचिंग। शिक्षण को कौन सा फैक्टर जो है वो प्रभावित नहीं कर सकता है, क्वेश्चन के साथ आंसर करिए। थर्टी सिक्स का सी, मंदिरा ओजी, 36 का सी, 36 का सी ही सही है। किसी भी बच्चे का या किसी भी टीचर का सामाजिक आर्थिक उसके पृष्ठभूमि उसके शिक्षण को प्रभावित नहीं कर सकती है, लेकिन और सारी ही चीजें प्रभावित करेंगे। उसको कितना ज्ञान है ये भी प्रभावित करेगा, ठीक है, क्लासरूम एक्टिविटीज की अगर बात करें तो ये भी प्रभावित करेगा, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस ये भी प्रभावित ही करेगा। तो केवल कौन सा जो फैक्टर है नहीं प्रभावित करेगा वो है आपका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। सपोज एज अ टीचर यू आर ट्रेनिंग योर स्टूडेंट्स इन पब्लिक स्पीकिंग एंड डिबेट, विच अमंग द फॉलोइंग मोस्ट डिफिकल्ट टू डेवलप अमंग द स्टूडेंट्स। मतलब क्या है कि मान लीजिए कि एक शिक्षक के रूप में आप अपने छात्रों को सार्वजनिक भाषण और बहस में प्रशिक्षित कर रहे हैं, तो छात्रों के बीच निम्नलिखित में से क्या विकसित करना सबसे कठिन हो जाएगा, मतलब छात्रों में आप क्या डेवलप नहीं कर सकते हैं या किस पर आपका वश नहीं चलेगा, कि यह कौन सा एरिया बच्चे की ओवरऑल पर्सनालिटी का जो है आपके द्वारा हैंडल नहीं हो पाएगा, इसकी बात हो रही है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर है 37, क्या है? कॉन्सेप्ट फॉर्मुलेशन होगा, वॉइस मॉड्यूलेशन होगा, यूजिंग और सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट लैंग्वेज होगा, कंट्रोल ओवर इमोशंस होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, 37 का आंसर करना है। 37, 37 का डी, 37 का डी, 37 का डी, तो डी ही सही है। कंट्रोल ओवर इमोशंस, आप किसी के भी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, चाहे आप कितने भी बड़े ज्ञाता क्यों ना हो या कितना भी कमांड आपके अपने सब्जेक्ट पर क्यों ना हो या कितने भी नॉलेजेबल ना हो, लेकिन आप किसी के इमोशंस को बोल सकते हो, लेकिन अपने समय से ही वो व्यक्ति जो है वो संभल पाएगा जिसके भी इमोशंस की बात हो रही है। तो आप किसी के भी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हो बीइंग अ टीचर, ओके। नेक्स्ट 38 है, प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग इंक्लूड्स, प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग इंक्लूड्स, या शिक्षण के पूर्व चरण की अगर हम बात करें तो वो किसको इंक्लूड करता है या उसके अंतर्गत क्या आता है। प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग की बात हो रही है। आप पहले तो ये पता है फेजेस ऑफ टीचिंग आपको कितना पता है इसका देख लीजिए, अभी उस पर थोड़ी सी बात कर लेंगे फिलहाल। तो प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग इंक्लूड्स फीडबैक एंड री इन्फोर्समेंट, साइजिंग अप ऑफ द क्लास, ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुलाई एंड डिस्कशन अबाउट द स्ट्रेटेजीज ऑफ टीचिंग। क्या हो जाएगा? वर्षा द्विवेदी, गुड इवनिंग मैम जी, वेरी गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 38 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 38 का डी, 38 का डी, डिसीजन अबाउट द स्ट्रेटेजीज ऑफ टीचिंग।
देखिए क्या होता है, फेजेस ऑफ टीचिंग की अगर बात करें या शिक्षण के चरणों की बात करें, तो जो पूरा जो शिक्षण है वो तीन चरणों के में कंप्लीट होता है। एक हो गया आपका प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, एक है इंटरएक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, और तीसरा है पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ। ठीक है, तो प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग क्या होता है, ये शिक्षण से पहले की अवस्था होती है। इंटरएक्टिव जो फेज ऑफ टीचिंग है ये शिक्षण के दौरान की अवस्था है, और पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग जो है ये शिक्षण के बाद की अवस्था होती है। तो जो सबसे पहली अवस्था होती है यहाँ पर टीचर क्या करता है, प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग की ही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग की ही बात कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर बेसिकली टीचर प्लानिंग करता है, किस चीज की प्लानिंग, कि उसको क्लास में पढ़ाना क्या है, करना क्या है, किस तरीके से, किस स्ट्रेटेजी से, किस मेथड से, कौन से टीचिंग मैक्सिम्स को यूज करके उसको पर्टिकुलर टॉपिक या कंटेंट या विषय को बच्चों को क्लियर करना है। तो इस सारी प्लानिंग को वो पहले कर लेता है। तो वो जो पहले का जो फेज होता है वो है प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, या शिक्षण से पूर्व की अवस्था इसको कहा जाता है। ठीक है, इसलिए जो सही आंसर होगा आपका डिसीजन अबाउट दी स्ट्रेटेजीज ऑफ टीचिंग, तो अबाउट स्ट्रेटेजीज की बात हो रही है, तो उसको लेकर के निर्णय लेने की जो स्थिति या जो पोज या फेज होता है वो आपका होता है प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। चलिए ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला है 39, प्रोफेशनलिज्म इज टीचिंग एक्टिविटीज, प्रोफेशनलिज्म इन टीचिंग एक्टिविटी इज क्या है, शिक्षण गतिविधि में व्यावसायिकता या प्रोफेशनलिज्म इन टीचिंग, कब हम कहेंगे कि बहुत ही प्रोफेशनल है टीचिंग के फील्ड में, तो हम कब ये कह सकते हैं कि कब ऐसा होगा। ठीक है, प्रोफेशनलिज्म तो बहुत ही जरूरी है जिस भी एरिया में हो, जिस भी फील्ड में हो, तो यहाँ पर बात हो रही है प्रोफेशनलिज्म इन टीचिंग, तो कब कहेंगे कि ये बात है, बताइए। प्रोफेशनलिज्म इन टीचिंग एक्टिविटी इज साइन ऑफ प्रोग्रेस इन टीचिंग सर्विस अगेंस्ट एथिक्स ऑफ टीचिंग नेसेसरी एज पर द करेंट रिक्वायरमेंट एंड ट्रेंड एंड ऑलवेज पार्ट ऑफ इट। आंसर क्या सही हो जाएगा, 39 का सी है, रवि ने सी आंसर किया है, मंदिरा ने सी आंसर किया है, और बताइए 39 का डी आंसर है, ऑलवेज पार्ट ऑफ इट। थोड़ा सोच समझ के बताइए क्या कह रहा है ऑप्शन, फिर से सोचिए, जो भी सी आंसर कर रहे हैं गलत है, आगे देखिए, अब सोचिए क्या होगा। सी आंसर है नेसेसरी एज पर द करंट रिक्वायरमेंट एंड ट्रेंड, करंट रिक्वायरमेंट से का क्या मतलब है, यहाँ पर जो भी टीचिंग के फील्ड में है इट मींस कि वो मजबूरी के कारण बहुत ज्यादा समय तक तो नहीं टिकेगा, तो डेफिनेटली उसका अपना इंटरेस्ट होगा, तो जब इंटरेस्ट है तो पर्टिकुलर एरिया फील्ड को लेकर के प्रोफेशनलिज्म आ ही जाता है। तो क्या होगा, थोड़ा उसको दिमाग लगाइए, सी आंसर तो नहीं है, आगे 39 का ए और फिर ए, अच्छा जी ये नहीं तो वो, चलो ठीक है, करेंट रिक्वायरमेंट एंड ट्रेंड की बात नहीं है ये, तो एक कहेंगे आवश्यक आवश्यकता है, आप जिस भी प्रोफेशनलिज्म से जुड़े तो बेसिकली उसमें ग्रोथ दिखनी चाहिए, तभी कहेंगे कि आप प्रोफेशनलिज्म आपके अंदर है पर्टिकुलर फील्ड को लेकर के। तो सही आंसर आपका जो है डी नहीं होगा, ऑलवेज पार्ट ऑफ इट नहीं, ये नहीं सही है, सही आंसर आपका हो जाएगा ए, साइन ऑफ प्रोग्रेस इन टीचिंग सर्विस। ठीक है, मतलब प्रोग्रेस दिख रही है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं टीचिंग फील्ड को, मतलब इस तरीके के कई क्वेश्चन जो हैं आप चूंकि टीचर बनने की उसमें एक इंटरेस्ट रखते हैं, इस नेट के एग्जाम को दे रहे हैं या कोई भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम हो, वो अगर वहाँ इस तरीके के प्रश्नों की बात करें तो काफी हद तक पूछे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक आपके अंदर की एक इंटरेस्ट को चेक कर रहे होते हैं कि आप कितने ज्यादा इंटरेस्टेड हैं बेसिकली इस फील्ड को लेकर के। ठीक है, तो अगर प्रोफेशनलिज्म की बात करें टीचिंग के फील्ड में या टीचिंग एक्टिविटी में, तो साइन ऑफ प्रोग्रेस इन टीचिंग सर्विस, तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ, आपके प्रोग्रेस नजर आएगी अगर आपके अंदर ये बात आ चुकी है तो, इसलिए। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 30 हो गया है, 39 हो गया, 40 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है,
हाँ जी, ऑफलाइन में आप आंसर भी चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छा हो गया है। उसका रीजन ये है कि हर कोई उस मोड पर, ऑनलाइन मोड पर कंफर्टेबल नहीं था, ठीक है। और कोई एज, ऐसा एज बैरियर भी नहीं है कि केवल लिमिटेड एज तक ही लोग दे पाए, तो बहुत उम्र के भी लोग देते हैं, तो उस पूरे मोड के साथ कंफर्टेबल नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। अरेंजमेंट ऑफ कंटेंट और टॉपिक एलिमेंट इन सिक्वेंस फॉलोज द मैक्सिम ऑफ, ठीक है, अनुक्रम में सामग्री या विषय तत्वों की व्यवस्था इस कहावत का पालन करती है। मीनिंग क्या है यहाँ पर? अरेंजमेंट ऑफ कंटेंट और टॉपिक, जब भी हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं किसका, कंटेंट का, या किसी भी टॉपिक के या उसके तत्वों का, इन अ सिक्वेंस फॉलोज द मैक्सिम्स। मैक्सिम्स मतलब टीचिंग मैक्सिम्स की बात हो रही है, टीचिंग मतलब यहाँ पर टीचिंग मैक्सिम्स होते हैं शिक्षण सूत्र, शिक्षण सूत्र की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर बात हो रही है कि अगर हम कंटेंट या किसी भी टॉपिक के एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, तो कौन सा बेसिकली शिक्षण सूत्र लग सकता है या लगाया जा सकता है? 40 का डी, 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 वेरी नाइस। मेरा सब्जेक्ट एजुकेशन, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम बिलो, मतलब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, अगर कंटेंट को या टॉपिक को, एलिमेंट, टॉपिक्स का जो एलिमेंट है उसको एक सीक्वेंस में हमें लगाना है, तो कौन सा टीचिंग मैक्सिम जो है वो यहाँ पर लगेगा? फ्रॉम नोन टू अननोन हो गया, सिंपल टू डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स हो गया, कंक्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट हो गया। तो बेसिकली हम सभी में ही ये काम करते हैं, बस इनकी स्ट्रैटेजी या तरीका जो है वो अलग अलग हो जाता है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। टीचिंग मैक्सिम्स होते हैं या शिक्षण सूत्र होते हैं, जिनको कि कोई भी टीचर अपने शिक्षण के दौरान या टीचिंग के दौरान यूज करता है, ठीक है। किसी भी टॉपिक या कंटेंट या कोई भी कॉम्प्लिकेटेड अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसको बच्चों को क्लियर करना है, तो वो कई तरीके के टीचिंग मैक्सिम्स होते हैं या शिक्षण सूत्र होते हैं, जिनका प्रयोग करके टीचर अपने कंटेंट को इजी बनाने की कोशिश करता है, या बच्चों के लिए उसकी जो डिफिकल्टी लेवल है उसको। हाँ जी, एजुकेशन सब्जेक्ट है मेरा, ठीक है। तो ये हो गया। तो ओवरऑल क्या था कि कंटेंट की बात यहाँ हो रही है, कौन सा टीचिंग मैक्सिम्स हम यूज करेंगे, तो सारे में ही हम इसको देख सकते हैं, सभी में कर सकते हैं, लेकिन हमारे तरीके हर शिक्षण सूत्र में बदल जाते हैं किसी भी कंटेंट को डिलीवर करने में। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या कह रहा है। विच अमंग द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स बेस्ट द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन अ क्लासरूम। देखिए क्या है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर लिखे हैं। निम्नलिखित में से कौन कक्षा में शिक्षण की गुणवत्ता को सर्वोत्तम दर्शाता है, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स बेस्ट द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन क्लासरूम थ्रू फुल अटेंडेंस इन द क्लासरूम है, थ्रू द यूज ऑफ मैनी टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम है, थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ साइलेंस, ऑब्जर्वेशन ऑफ साइलेंस बाय द स्टूडेंट इन क्लासरूम है, थ्रू द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स इन क्लासरूम है। क्या आंसर हो जाएगा? एक दो क्वेश्चन शायद इसी तरीके के पहले भी पूछे गए हैं, लेकिन इनके पूछने के तरीके में फर्क है, तो ऐसा नहीं सोचिए कि रिपीटेड है क्वेश्चंस। ऑनलाइन क्लास, एक्चुअली लाइव क्लास जो अभी है आपकी, जिसपे कि फिलहाल हम PYQs लेके जा रहे हैं, ये है 9 to 10 PM, 9 से 10 बजे हर रोज होती है। ऐप पर क्लास का टाइम हमारा 8 से 9 का है, ठीक है। चलिए 41 का आंसर करिए क्या हो जाएगा। 41 का डी आंसर किया है, थ्रू द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्टूडेंट इन क्लास। डी डी डी, सभी ने डी किया है, वेरी गुड। तो सही आंसर डी ही होगा। आंसर जो है वो डी होगा, मतलब क्वेश्चन का लेवल क्या है, किस तरीके के प्रश्न जो है बच्चे पूछ रहे हैं, और कितनी फ्रिक्वेंटली बच्चे क्वेश्चंस कर रहे हैं, और क्वेश्चन करने की जो एक कहते हैं ना कि बच्चे के अंदर वो समझ पैदा हो गई है किसी भी कंटेंट या टॉपिक को लेकर के लॉजिकली आर्ग्यूमेंट करने की, तो जब वो कैपेसिटी डेवलप हो गई है, वो योग्यता डेवलप हो गई है, तो बच्चों में प्रश्न जो है अपने आप पैदा होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो इस तरीके के प्रश्न जो है वो टीचर से करना शुरू करता है, तब हम कहेंगे कि हाँ कक्षा में जो शिक्षण हो रहा है वो डेफिनेटली वो बच्चों के फेवर में है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग,
ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग कहें, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, या हम यहाँ पर कह सकते हैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग भी कह सकते हैं, ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर बेसिकली मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग भी इसे कहा जा सकता है या इस रूप में भी समझा जा सकता है। ठीक है, प्रोसीडिंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है, प्रोसीडिंग फ्रॉम नियर टू फार है, प्रोसीडिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट है, प्रोसीडिंग फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है, सरल से जटिल की ओर, सरल से जटिल की ओर, निकट से दूर की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, ठोस से मूर्त की ओर, या मूर्त से अमूर्त, अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त, से अमूर्त की ओर, कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो कौन सा नहीं है? 42 का, 42 का बी, 42 का बी, 42 का ए। अच्छा जी, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स आपने पढ़ा होगा, सरल से कठिन की ओर ये पढ़ा हुआ है आपने, देखिए कभी गौर करिए, क्या नहीं पढ़ा है? पास से दूर की ओर। तो ये जो शिक्षण सिद्धांत या शिक्षण सूत्र है ये नहीं है, तो आंसर आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा 42 का बी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 43 है, स्टूडेंट यूज देयर फिंगर्स टू कैलकुलेट नंबर्स, विच मैक्सिम्स इज यूज्ड हियर, कौन सा शिक्षण सूत्र या कौन सा सूत्र यहाँ पर यूज किया गया है? बच्चे क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स यूज देयर फिंगर, अपनी उंगलियों का प्रयोग कर रहे हैं टू कैलकुलेट नंबर्स, नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए अपनी उंगलियों का प्रयोग कर रहे हैं, कौन सा मैक्सिम्स या सूत्र यहाँ पर प्रयुक्त हो रहा है या उसका यूज किया जा रहा है? फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल एंड फ्रॉम नोन टू अननोन, कौन सा आंसर सही हो जाएगा? देखिए, ओके मैम, गॉट इट, ओके वेरी गुड, चलिए बताइए। स्टूडेंट यूज देयर फिंगर टू कैलकुलेट नंबर्स, नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए बच्चे अपनी उंगलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा मैक्सिम्स या सूत्र यहाँ पर यूज हो रहा है बताइए? 43 का बी, पर्टिकुलर टू जनरल, ओके नेक्स्ट, और बताएं। 43 का सी, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, गुड इवनिंग लाइफ एंडिंग, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग मैम, ठीक है जी, क्या नाम है आपका? लाइफ एंडिंग, चलिए सही आंसर फिलहाल होगा आपका कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट या मूर्त से अमूर्त की ओर, मतलब यहाँ पर क्या है कि बच्चे उसको काउंट कर रहे हैं अपने फिंगर्स पे, जो कुछ भी वो क्या कहेंगे, जो कुछ भी उन्हें काउंट करना है, फिंगर्स पे देखना है, तो यहाँ पर बेसिकली मूर्त से एक तो पहले ही पता है, अब वो निकाल रहे हैं जो पता नहीं है, ठीक है, तो उंगलियों का इस्तेमाल करके उसको काउंट करके तब वो आंसर तक जाने की कोशिश कर रहे हैं जो अभी नहीं है, मतलब काउंट करेंगे तब जाएंगे किसी एक, किसी चीज की ओर, एक एब्स्ट्रैक्ट की ओर, ठीक, तो इसलिए मूर्त और अमूर्त होगा। चलिए, तो बी आंसर इसलिए सही होगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 44, एन इंटरेक्टिव टीचिंग ऑलवेज डिमांड्स, कोई भी अगर इंटरेक्टिव टीचिंग की बात करते हैं यहाँ पर, या अंतः क्रिया हो किसी टीचिंग में, तो वो क्या डिमांड होती है एक इंटरेक्टिव टीचिंग की? पारस्परिकता है, नियमितता है, एकाग्रता है और मूल्यांकन है, बताइए। रेसिप्रोसिटी हो गया, रेगुलरिटी हो गया, एंड कंसेंट्रेशन हो गया, एंड इवेल्युएशन हो गया, एंड इवेल्युएशन हो गया, देखिए आंसर करिए फटाफट। गुड इवनिंग, अचानक से बच्चे गायब हो जाते हैं भाई, अचानक से आ जाते हैं। इंटरैक्टिव टीचिंग क्या डिमांड करती है, मतलब आपस में जब अंतःक्रिया हो बच्चे और टीचर के बीच में, स्टूडेंट और टीचर के बीच में, तो इसका डिमांड क्या होगा? ठीक है, बताइए। बी रेगुलरिटी, बाबू यादव बी, उर्वशी सी। देखिए एकाग्रता से का क्या मतलब है यहाँ पर, पहले तो ये देखिए, कंसंट्रेशन से इंटरेक्शन का क्या मतलब है, मतलब को समझिए, रेगुलरिटी का क्या मतलब है, ये देखिए, इंटरेक्शन का मतलब हो गया ये क्लासरूम सिचुएशन की बात हो रही है, ठीक है, क्लासरूम में क्या होना चाहिए कि जब दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो, ठीक है। इवैल्यूएशन से देखिए,
कंसिडरेशन भी नहीं है, इवेल्युएशन भी नहीं है, आपका मतलब यहाँ पर है रेसिप्रोसिटी से, का मतलब होता है पारस्परिकता से, का मतलब है संवाद के, संवाद से का मतलब यहाँ पर ये है दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होना। तो इंटरैक्टिव जब भी होता है, जब दो इंटरैक्टिव टीचिंग की अगर हम बात करें तभी ये पॉसिबल हो पाएगा जब दो लोगों के बीच में या टीचर और स्टूडेंट के बीच में संवाद हो रहा हो या कम्युनिकेशन हो रहा हो तब हम कहेंगे। तो डेफिनेटली अगर नहीं भी होता, अगर इसका मतलब नहीं भी समझ में आ रहा है तो ये तीन तो यूं भी नहीं है, तो ये तो यूं भी सही हो जाता अगर आप इसका मीनिंग भी नहीं समझ पा रहे हैं तो ये तो नहीं होंगे, ये तीन नीचे के बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है, तो इसके मीनिंग को जरा सा देखिएगा अपने लेवल से। तो इस वजह से जो पहला है कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी बनी है, संवाद में क्या होता है डिपेंडेंसी बनी होती है दो लोगों के बीच में एक दूसरे पर, दूसरा बोलेगा तब अगला बोलेगा या अगला बोलेगा तब दूसरा बोलेगा, तब जाकर के कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। कम्युनिकेशन का मतलब ही क्या हो रहा है, इंट्रैक्शन हो रहा है दो लोगों के बीच में। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या कह रहा है। हु हैज द लीस्ट चांस ऑफ बिकमिंग इफेक्टिव टीचर, कब कहेंगे कि एक व्यक्ति जो है बहुत कम संभावना है उस व्यक्ति की टीचर बनने की, बताइए कब कहेंगे हम कि किसी भी टीचर, किसी भी व्यक्ति के टीचर बनने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत लीस्ट। क्या हो जाएगा, वन हु इज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनर एंड वन हु नोज हिज सब्जेक्ट वेल, और वन हु हैज नो इंटरेस्ट इन टीचिंग, वन हु टीचेस मॉरल वैल्यूज, मतलब किसकी संभावनाएं बहुत कम है, कम वाले को बताना है। तो 45 का आंसर किया है सी, सी किया है ओजी ने, मंदिरा ने, उर्वशी ने, लाइफ एंडिंग ने, टकमैन सिंह ने। ओके संजना बी क्यों करा आपने, ठीक से पढ़िए बेटा क्या लिखा है। वन हु नोज हिज सब्जेक्ट, जो अपने सब्जेक्ट के बारे में जानता है तो उसकी संभावनाएं तो बढ़ गई ना, घट कैसे जाएगा। ठीक है, संभावना किसकी कम है, सबसे कम संभावना किसकी होगी, किस ऐसे व्यक्ति की होगी, तो वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होगी जो उसमें होगी कि हम कहेंगे कि ये टीचर बनने लायक नहीं है। अब्दुल रब, 45 का सी आंसर होगा। ठीक है, वन हु हैज नो इंटरेस्ट इन टीचिंग, बड़े गौर से बड़े सिंपल से है क्वेश्चन से, थोड़ा ध्यान से पढ़ा करिए। ठीक, नहीं तो फिर यहीं पे गलती हो जाती है। वन हु हैज नो इंटरेस्ट इन टीचिंग, किसी का अगर टीचिंग में क्या किसी भी क्षेत्र में अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है तो वो उसको उस क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो बेहतर नहीं कर पाएगा उस क्षेत्र में, वो प्रोफेशनलिज्म पर्टिकुलर एरिया को लेकर के उसके अंदर नहीं आ पाएगा। तो इसलिए पहला ये जो तीसरा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ठीक है, ओ जी नहीं, ओगी, ओ सॉरी कुछ और नाम रखिए, फिर हम लोग नहीं इसको प्रोनाउंस कर पा रहे हैं। ठीक है, लिस्ट पे फोकस नहीं किया, ओके कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन इन्हीं वजहों से गलत हो जाते हैं। 46 क्या है, कई बार पढ़ने की कोशिश करिए कम समय में, तो प्रैक्टिस ही बेस्ड है, सब प्रैक्टिस करते रहिए तो आसान हो जाएगा। एज अ प्रिंसिपल यू विल इनकरेज योर टीचर कोलीग्स टू, कैसे इनकरेज करेंगे, अगर आप किसी भी विद्यालय के प्राचार्य हैं, प्रधानाचार्य हैं कहें, तो फिर आप कैसे काम करेंगे या कैसे इनकरेज करेंगे अपने साथ के लोगों को या टीचर्स को। पार्टिसिपेट इन सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस इन इंडिया एंड अब्रॉड, पार्टिसिपेट इन रिफ्रेशर कोर्स फॉर एनहेंसमेंट ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज, डूइंग कम्युनिटी सर्विस फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ डाउन ट्रोडन एंड ऑल ऑफ द अबव। अगर टीचर हैं आप तो अपने सॉरी प्रिंसिपल हैं आप तो अपने टीचर्स को इनकरेज करने के लिए आप क्या क्या कर ले जाएंगे बताएं। क्लास का समय 9 से 10 बजे तक है, मीनिंग 9 से 10 हर रात शाम में 9 से 10 बजे का टाइम लाइव क्लास का होता है, जिसमें अभी फिलहाल कुछ इम्पोर्टेंट PYQs को लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि आपका अभी एग्जाम नजदीक है इस वजह से, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं देखा जाए तो, और सारे ही पुराने पहले प्रीवियस ईयर आए क्वेश्चन पे बेस्ड हैं, तो डेफिनेटली इनको ज्वाइन करिए। 9 से 10 का टाइम होता है रात का, और 8 से 9 जो टाइम है वो है ऐप की क्लास का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का आंसर आप करें। 46 का क्या हो जाएगा, 46 का है, 46 का ऑल, 46 का ऑल, बबलू ने डी आंसर किया है, उर्वशी ने डी किया है, टुकमैन टकमैन ने डी किया है, मंदिरा ने डी आंसर किया, लाइफ एंडिंग ने डी किया है,
संजना ने ऑल किया, तो जिन्होंने भी ऑल किया है वो आंसर सही है। तो बेसिकली कोई किसी भी प्रिंसिपल का जो दायित्व बनता है वो हर एरिया को कवर करने का बनता है। तो अगर अपने साथ के लोगों को वो आगे बढ़ाना चाहता है, मोटिवेट करना चाहता है, इनकरेज करना चाहता है, तो उनको इन तीनों ही एरियाज पर काम करने की आवश्यकता है। ठीक, इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 47 क्या कह रहा है। ट्राइपोलरिटी टीचिंग इन्वॉल्व्स, या ट्राइपोलर टीचिंग जो है वो क्या इन्वॉल्व करती है, या उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, या क्या होता है, तो बताइए क्या होता है। ऐसा क्वेश्चन एक पहले भी आया था, बताइए। ट्राइपोलर प्रोसेस हमने बताया था, टीचिंग इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी। तो ट्राइपोलर प्रोसेस में जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे। टीचर है, लर्नर है एंड सोशल एनवायरनमेंट है, टीचर है, टीचिंग है, लर्नर है, एजुकेशन है, नॉलेज एंड टीचर है, नन ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर है 47, क्वेश्चन नंबर है 47, बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, टीचर स्टूडेंट एंड करिकुलम। हाँ बात सही है, लेकिन करिकुलम यहाँ पे नहीं है। तो करिकुलम नहीं है तो क्या है उसके सब्स्टिट्यूट में, उसका सब्स्टिट्यूशन है आपका सोशल एनवायरनमेंट। और सोशल एनवायरनमेंट से ही निकलता है करिकुलम। ठीक है, मतलब हमारी जो सोसाइटी की नीड एंड रिक्वायरमेंट है उन्हीं को ध्यान में रख करके देखा जाए तो करिकुलम को फ्रेम किया जाता है कि बच्चों में हमें डालना क्या है, हमारे नेशन की, हमारे सोसाइटी की क्या नीड है। ठीक है, उसको ही कहीं ना कहीं हम करिकुलम में विषयों के साथ जो है बना देते हैं और बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं एक सिस्टम के साथ। तो जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा 47 का डी, नन ऑफ दी अबव संजना सोशल। हाँ जी, नन ऑफ अबव किसने दिया था ये आंसर। 47 का आपका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। देखिए टीचर टीचिंग, अभी मैंने बात करी थी कि जो टीचिंग का प्रोसेस होता है, जो शिक्षण की प्रक्रिया होती है, वो त्रिध्रुवीय है या ट्राइपोलर प्रोसेस है, जिसमें टीचर स्टूडेंट और करिकुलम आ जाएगा। करिकुलम नहीं लिखा है कहीं पर, तो एनवायरनमेंट लिखा होगा, एनवायरनमेंट नहीं लिखा है तो सोसाइटी या समाज लिखा होगा। ठीक है, तो इसको ये कई तरीके से आ सकता है, अल्टरनेट आ सकती हैं चीजें, तो आप इसको देख सकते हो। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा टीचर, लर्नर एंड सोशल एनवायरनमेंट। लर्नर ही हो गया बेसिकली स्टूडेंट, तो कंफ्यूजन ना रखिए। हाँ जी, ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर देखिए 48, द मोर ऑब्स्टिकल्स स्टूडेंट्स फेस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, द हायर द एक्सपेक्टेशन विल बी। मतलब शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों को जितनी अधिक बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, अपेक्षाएं उतनी अधिक हो जाएंगी किससे। द मोर ऑब्स्टिकल स्टूडेंट्स फेस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, द हायर द एक्सपेक्टेशन विल बी। तो किससे, अगर किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बच्चे जो है बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशन किससे ज्यादा बढ़ जाएगी, हमारी सोसाइटी से, टीचर से, स्टेट से, या फैमिली से, किससे हो जाएगा। हाँ जी, टीचर स्टूडेंट कैरिकुलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर है 48, क्वेश्चन नंबर है 48, किसी भी शैक्षणिक संस्थान में जितनी मतलब बाधाएं अगर बहुत ज्यादा कहीं देखने को मिलती हैं किसी भी शैक्षणिक संस्थान में, तो फिर हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो किससे ज्यादा बढ़ जाती हैं। 48 का बी आंसर किया है। आंसर आपका फिलहाल टीचर होगा। ठीक है, फ्रॉम टीचर, एक शिक्षक से जो है हमारी जो उम्मीदें हैं वो बहुत ज्यादा बन जाती हैं। पहले अगर ये चीज ना समझ में आ रही है तो सीधे से देखिए कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से किसका संबंध है, तो डेफिनेटली टीचर का ही संबंध यहाँ देखने को मिलता है। तो अगर बच्चा किन्हीं भी बाधाओं में या किन्हीं भी प्रॉब्लम में किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में है, तो सबसे ज्यादा उम्मीद आप किससे करेंगे कि उसकी समस्याओं का समाधान निकल करके आएगा, तो डेफिनेटली टीचर ही उस प्रांगण या उस क्षेत्र में आता है, तो फिर टीचर ही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसलिए 48 का बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 49, बेसिस टू जस्टिफाई द यूजफुलनेस ऑफ टीचिंग एड्स। टीचिंग एड की बात हो गई। ठीक है, टीचिंग एड अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं शॉर्ट में अभी बता भी दूंगी।
ठीक है, टीचिंग एड की बात हो रही है, शिक्षण सहायक सामग्री होता है, टीचिंग एड होते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। तो कब उसकी यूजफुलनेस को हम बता सकते हैं कि हाँ बहुत यूजफुल होंगे या है? टू अट्रैक्ट स्टूडेंट्स अटेंशन इन द क्लासरूम, रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ इनडिसिप्लिन इन द क्लासरूम, ऑप्टिमाइज स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स एंड इफेक्टिवली एंगेजिंग स्टूडेंट्स इन लर्निंग टास्क। सही आंसर क्या हो जाएगा? फोर्टी नाइन का आंसर करना है आपको। ओगी ओ जी, जो भी 49 का सी आपने आंसर किया है सही किया है, ऑप्टिमाइज स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, 49 का सी संजना ने भी आंसर किया है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ पर हो गया, मतलब ये टीचिंग एड का इस्तेमाल, बेसिकली टीचिंग एड होते हैं कई तरीके के, हो गए आपके ऑडियो विजुअल एड हो गया, विजुअल एड हो गया और ऑडियो एड हो गया। और मतलब यही कि जब भी टीचर टीचिंग करता है तो अपने टीचिंग को या अपने कंटेंट को बच्चों के आगे प्रेजेंट करने के लिए, इजियर बनाने के लिए कुछ एड्स का इस्तेमाल कर लेता है, जिससे कि बच्चे कंटेंट का या किसी भी चीज के कॉन्सेप्ट को ज्यादा क्लियरली समझ पाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बच्चे की समझ को बढ़ाना या फिर जो उसका लर्निंग का एक परिणाम निकले कह सकते हैं, तो वो बेहतर हो या उसके साथ उसका अनुकूलन हो, तो टीचिंग एड का इस्तेमाल बेसिकली टीचर कंटेंट को बेहतर तरीके से बच्चों को बताने के लिए करता है। ठीक है, तो इसलिए आंसर इसका आपका सी हो जाएगा। इनडिसिप्लिन से मतलब नहीं है, टीचर डांट के भी डिसिप्लिन क्रिएट कर सकता है। ठीक है, टू अट्रैक्ट स्टूडेंट अटेंशन, स्टूडेंट का अटेंशन के लिए होता है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट पर हम जाएंगे। ठीक है, अब अटेंशन वो किस हम सेंस में ले रहे हैं ये भी देखने वाली बात है। स्टूडेंट को इंगेजिंग का, एंगेज करने की बात आ रही है, तो एक टीचिंग एड ही नहीं बचा है उनको एंगेज करने के लिए। तो टीचिंग एड बेसिकली किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी सब्जेक्ट को और ज्यादा क्लियर करने के लिए बच्चों के लिए यूज किया जाता है। ठीक, चलिए मान लीजिए जैसे हमें घड़ी के बारे में जानकारी देनी है बच्चे को, तो हमने एक घड़ी दिखाई बच्चे को और घड़ी के बारे में जानकारी दी, तो जो एड हो गया हमारा टीचिंग एड वो घड़ी हो गया, जिससे कि बच्चों को कॉन्सेप्ट घड़ी का ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा या कैसे बनी है इसके बारे में उन्हें जानकारी मिल पाएगी। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, इफ बैक बेंचर्स आर ऑलवेज टॉकिंग इन द क्लासरूम और टीचर शुड, क्या करना चाहिए? बैक बेंचर्स की हम बात करते हैं, तो अगर वो बहुत बात कर रहे हैं क्लास में तो क्या करना चाहिए? लेट देम डू वट दे आर डूइंग, पनिश देम, आस्क देम टू सिट ऑन द फ्रंट बेंचेस एंड नन ऑफ दिस, क्या सही हो जाएगा? हाँ जी, लास्ट है, 50 का सी दिया है। ओ जी, 50 का सी है, आस्क देम टू सिट ऑन द फ्रंट बेंचेस। ठीक है, सही आंसर यही हो जाएगा। जो भी पीछे बेंच में बच्चे बैठे शरारत कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा समाधान यही है कि उनको ना भगाइए, ना डांटिए, ना मारिए, उनको उठा करके अपने सामने बिठा दीजिए, तो कम से कम क्लास में डिसिप्लिन बना रहता है, उनका ध्यान भी आपकी ओर बना रहेगा। ठीक है, तो ये आंसर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, जो जिसका भी सी आंसर है, देख लीजिए उर्वशी, डी, नन ऑफ दीज नहीं होगा। बहुत देखिए सिंपल लग रहा है, लेकिन उसके बाद भी आप लोग गलत कर रहे हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, तो थोड़ा सोच समझ के ऑप्ट करिएगा, सी आंसर सही है। तो ओवरऑल ये हमारे टोटल क्वेश्चन कितने थे? बहुत लोगों ने बहुत लेट ज्वाइन किया है, क्लास की टाइमिंग है 9 से 10 बजे की शाम, रात की 9 से 10 बजे की, 9 to 10 PM, जिसमें कि मैं टॉपिक वाइज, मतलब जो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक्स हैं, हायर एजुकेशन रिसर्च एप्टीट्यूड, इन तीनों यूनिट्स में मैंने काम किया है, तो फिर इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो टॉपिक और जो सेक्शन है उसके सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए ही टॉपिक आपके सामने आएंगे। कल टीचिंग के अलावा जो नेक्स्ट आपका सेक्शन होगा टीचिंग एप्टीट्यूड का, उस पर PYQs रहेंगे। टाइम से अटेंड करिए, ज्वाइन करिए, तो आपके लिए भी अच्छा होगा, एग्जाम नजदीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, आज इतने क्वेश्चंस थे, कल फिर 25 क्वेश्चंस होंगे, टाइमली ज्वाइन करिएगा तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट, कल मुलाकात होती है।